Hello dear students, today we will do the next part of the chapter The March King. So we were doing the chapter The March King, and as you know, the main character of The March King is John Philip Sosa. So what were we doing? Let's revise quickly. That John Philip Sosa wanted to become a musician, but as he fell out with his teacher Mr. Sputa, so he left the music lessons and he wanted to become a baker. क्योंकि बेटा मिस फिलिप दी जड़ी है अपनी म्यूजिक टीचर नाल लड़ाई हो गई सी. ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद द टीचर. तो इस करके उन्हें सोचा कि हूँ मैं म्यूजिक लैसनस नहीं, मैं बेकर बनाऊंगा. तो वो पापा ने उन्होंने की कहा सी कि तू यू विल कंटिन्यू विद योर एजुकेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ बेकर यू कैन. तो उन्होंने एक बेकर लभ्या सी. वट वॉज द नेम ऑफ द बेकर? येस, हिज नेम वॉज चार्ली. तो फिलिप की है उस दिन, एज वी हैड रेड दैट एट 8:30 दैट इवनिंग 8:30 जोड़ा है फिलिप बेकरी से चला गया सी. तो उत्थे उन्हें यू कैन सी द टाइम 8:30 उत्थे जाके उन्हें जोड़ा है फिलिप देयर ही वॉच द बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज. उत्थे जो देखे उन्हें कि वह ब्रेड बना रहे हैं, पाइज बना रहे हैं, एवरीथिंग ही सो वॉज न्यू टू हिम. हर चीज़ वो वास्ते नवी सी, उन्होंने इंट्रस्टिंग भी लगी. उन्होंने स्किल, उन्होंने जोड़ा स्पीड है उन्होंने बहुत अच्छी लगी. बहुत अमेज होया, बहुत हैरान होया. उस तो बाद वो थक गया थे, सो गया. सो नैक्सट टूडे वी विल कंटिन्यू. वेरी अर्ली द नैक्सट मॉर्निंग फिलिप हेल्प लोड द बिग बेकरी वैगन. अगले दिन क्या होया सवेरे कि फिलिप ने जो बेकरी वैगन है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ बेकरी वैगन? जड़ी गड्डी होंगी है, बेकरी वैगन जड़ी गड्डी होंगी है. बेकरी सी दिस इज़ वैगन. वैगन की होंगी है जड़ी गड्डी ते बेकरी का समान जाता है, उसको लोड करवाने से हेल्प की. दैन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रैड. फिर वो ड्राइवर के नाल ब्रैड डिलीवर करने लिए लोगों को देने लिए गया. By 8:00 he was through and went home to breakfast. 8 बजे तक जो उसका काम खत्म हो गया तो वो ब्रेकफास्ट लिए अपने घर गया. हूँ रात का 8:30 का आया सी वो, है ना. तो सवेर तक ही हैज़ बीन वर्किंग, सो ऑबवियसली ही विल बी टायर्ड. फिलिप केप्ट द अग्रीमेंट विद हिज फादर एंड वेंट टू स्कूल दैट मॉर्निंग. फिलिप ने अपने पापा नाल जेड़ा अग्रीमेंट किया सी कि वो पढ़ाई जारी रखेगा, उसके तहत अपने स्कूल चला गया. आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल. जो स्कूल गया उस तो जो स्कूल तो वापिस आया तो उन्होंने बेसबॉल खेडन का भी जी नहीं किया. क्यों नहीं किया? यस, बिकॉज ही वॉज टायर्ड. वो थकिया होया सी, टू टायर्ड टू डू एनीथिंग. वो इन्ना थकिया होया सी कि वो कुछ नहीं कर सकता सी. ही वेंट होम एंड सैट अराउंड अंटिल आफ्टर सपर. दैन इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू द बेकरी वेयर ही स्पेंट अनदर इवनिंग वेरी मच लाइक द फर्स्ट. फिर अगले दिन उस सेम उस तरह पहले की तरह ही अपने खाने तो बाद, शाम के खाने तो बाद उत्थे चला गया, बेकरी से चला गया. आफ्टर हेल्पिंग विद द मॉर्निंग डिलीवरी ही वेंट टू स्कूल अगेन. जो वो मॉर्निंग के जिस तरह उन्हें पहले हेल्प की सी डिलीवरी करन दे विच, उसे तरह हेल्प की, उस तो बाद स्कूल चला गया. बट ही वॉज टू टायर टू लर्न मच. पर वो इन्ना थकिया हुआ सी कि उस स्कूल के कुछ समझ ही नहीं आया. When evening came, जो शाम हुई, he dejectedly dragged himself off for his third night of work at the bakery. तीजी रात तो बहुत थक चुकिया सी, उन्हें अपने आप नू एक तरह ना धकेलिया, पुश किया बेकरी दे जाने. Watching the bakers no longer seemed interesting. हुन तीजे दिन उन्हों जड़ा है ये बिल्कुल भी इंट्रस्टिंग नहीं लग रहा सी. उन्हों कोई इंट्रस्ट नहीं सी कि बेकरस की कर रहे ने. About midnight, the baker's baby started to cry. अद्धी रात को की होया कि जिहड़ा बेकर का बेबी सी, जिहड़ा बेकर का बच्चा सीगा, वो रोन लग गया, छोटा बच्चा. द बेकर्स वाइफ सेड टू फिलिप गो अपस्टेयर्स एंड रॉक द क्रेडल. कि जा बेटा ऊपर जाओ तो झूले नू हिलाओ. ओनली हाफ अवेक पुअर फिलिप डिड एज शी रिक्वेस्टेड. हुण फिलिप आप ही बच्चा सीगा, उन्हों भी वो अद्धा जागया होया सी, अद्धा सुता होया सीगा, तो उपर गया उन्हें जिस तरह उन्हों बेकर की वाइफ ने कहा सी, उन्हें उवें ही किया, झूला हिलाया. The cradle swam before Philip's sleepy eye as he began to rock it. जो उन्हें झूला हिलाया उसकी अखा के अगे क्रैडल घूमता रहा. In a twinkling he had fallen asleep. एक मिनट के विच उन्हें नींद आ गई. Ignoring the baby's loud yells. उन्होंने बच्चे दी जड़ियाँ चीखा ने या जड़ी रोन की आवाज़ है उन्होंने सुननी बंद हो गई, क्योंकि वह आप ही बच्चा से उन्होंने आप ही नींद आ गई. When the baby continued to cry, its mother ran upstairs. जो बच्चा रोंदा ही रहा तो माँ ऊपर आ गई बच्चे दी. To see what was wrong, she aroused Philip and scolded him. उन्हें फिलिप नू उठाया तो उन्हें फिलिप नू डांटिया. So what is the meaning of scolded? Scolded. See, I have already told you that you have to focus on the spellings and meanings. Okay?
सो द वर्ड स्कोल्डेड, स्कोल्डेड क्यों होता बेटा, स्कोल्डेड मीन्स डांटना। उन्हें फिलिप नू की किता डांटिया, अराउज्ड फिलिप मतलब उन्हें फिलिप नू जगाया। When Philip got home after delivering bread on the third morning, he was utterly exhausted. जदों वो तीजी दिन ब्रेड डिलीवरी करने तो बाद जदों वो आया सवेर तो बहुत ही ज़्यादा exhausted सी। What is the meaning of exhausted? I have already told you that its meaning is tired. Exhausted आप पहला भी ये word कर चुके हैं, इधर मतलब होता है tired, बहुत ज़्यादा tired सी। His father said, "How do you feel this morning?" उधर father ने कहा कि तुसी बेटा तुसी किस तरह महसूस कर रहे हो। बट फिलिप फेल साउंड असलीप बिफोर ही कुड आंसर। बट फिलिप इस तो पहला कि कोई जवाब दिंदा उन्हें नींद आ गई। इन अ लो वॉइस मिस्टर सोसा मर्मर्ड इंस्ट्रक्शंस टू मिसेस सोसा, गिव द लैड सम ब्रेकफास्ट एंड पुट हिम टू बेड, लेट हिम स्लीप ऑल डे। तो उसके पापा ने उसकी मम्मा ने कहा कि इनू सारा दिन अज जड़ा है गिव द लैड सम ब्रेकफास्ट, इनू खाना दो तो इनू बेड पर लेटन दो, इनू सारा दिन सोन दो। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, ऑफ कोर्स यू स्टिल वॉन्ट टू बी अ बेकर डोंट यू फिलिप। उन्हें फिर बेटे ने जो कहा कि बेटा हम तुसी बेकर ही बनना चाहते हो है ना। नो ग्रोन द वेरी बॉय, बट हूँ उसका फिलिप का जवाब की सी नो, कि हूँ मैं बेकर नहीं बनना चाहता, आई वुड रादर डाई दैन बी अ बेकर। उन्हें मैं क्या मैं बेकर बनने तो चंगा मरना पसंद करांगा। देन concluded his father gently, I think that the only practical course of action is to make up with Sputa. उन्होंने कहा फिर तो बेटा इस हाल के अपने को एक ही सोल्यूशन है कि तू जो तेरे टीचर ने मिस्टर स्पुटा उन्होंने जोड़ा पैचअप कर लै एंड स्टार्ट योर म्यूजिक लैसन, कि उन्होंने बना के तो म्यूजिक लैसन दोबारा शुरू करो। आफ्टर दैट फिलिप एंड हिज म्यूजिक टीचर बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिलिप तो वो टीचर जो बहुत वधिया फ्रेंड्स बन गए। The younger studied hard and because he possessed remarkable ability, he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13 years old. तो जब तक बेटा वो 13 साल का होया, कितने साल का होया, how many years? So he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13. तो कितने साल का सी बेटा वो 13, जदों तक वो 13 साल का होया उदों तक वो बहुत अच्छे वॉयलिन प्लेयर की रेपूटेशन बन गई कि वह बहुत अच्छा वॉयलिन बजाता है। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस क्विकली दैट व्हाट डिड फिलिप कंटिन्यू, की कंटिन्यू किया उन्हें म्यूजिक लेसन्स या वर्क एट द बेकरी। यस ही डिड नॉट कंटिन्यू द वर्क एट बेकरी बिकॉज वाई बिकॉज ही वॉज very tired, he was very exhausted and he was fed up with the work, he was no more interested in the work of bakery, so he patched up with his teacher Mr. Sputa and he started his music lessons and what age he became expert in that, yes by the time he was 13 years old, jab tak wo 13 saal ka hoya wo pura expert ban gaya si। One day while Philip was busy practicing a man came to the door, jab ek din Philip practice kar raha si te ek aadmi ode kol aaya। He said, I have been listening to for 5 minutes. उन्हें कहा मैं पिछले 5 मिनटों तो तुहाडा वॉयलिन सुन रहा हाँ। You play the violin very nicely. तो वॉयलिन बहुत वजिया बजाना है। Want you come in? Asked Philip. Philip ने कहा तुसी अंदर नहीं आओगे। Thank you, I will, said the man. He stepped inside and continued, Have you ever thought about joining a circus? कि तुसी कहंदे कदे भी बेटा सर्कस ज्वाइन करने के बारे सोचा है? Why? No, sir, said Philip in a surprise. वो हैरान हो गया कहना नहीं। I am the leader of the band in the circus that is showing near Pennsylvania Avenue, said the man. Unka main ek jada hai leader ha band da circus de vich jada showing near Pennsylvania Avenue, jada ki Pennsylvania Avenue de kol hai circus, utthe de main band da leader ha. If you should care to join us, I would be most happy to employ you, kehnda je tusi sade kol aao ta beta main bada khush hovanga tonu rakh ke. Visions of a wonderful life in the circus flashed through Philip's mind. तो हुन फिलिप दी अखां दे सामने जदों उन्हें सपना दिखाया उहदे अखां दे सामने बहुत सोहनी लाइफ दे सपने उहदे अखां दे सामने आउण लग गए। I would like to do it, उन्हें कहा मैं करांगा, he said wistfully, but I don't think my father would let me go, उन्हें कहा पर मैनू नहीं लगता कि मेरे पापा मैनू इत्थे जान देंगे। Don't tell him, said the man. मैन ने कहा उन्होंने दसो ही ना। So now you see what the man is doing. देखो मैन की कह रहा है कि तुसी अपने पापा नू दसना ही नहीं है। The circus man suggestion shocked Philip. हुन 13 साल का बच्चा जिहड़ा हर चीज़ अपने पेरेंट्स नू दस के ही करता है, जदों उन्हूं कोई कह रहा है कि तुसी अपने पेरेंट्स नू दस दसो तो ऑब्वियसली ही विल बी शॉक, तो वो शॉक है बच्चा। ओ आई कुडंट जस्ट गो ऑफ विदाउट आस्किंग हिम, फिलिप आंसर्ड, कहिंदे नहीं मैं उन्हां नू बिना दसे एवें नहीं जा सकता। तो देखो हुन वॉट विल ही डू,
But often fathers don't understand what a very fine future that is for a boy who is traveling with a circus. The man argued, I will tell you what to do. उन्होंने कहा पर पेरेंट्स जोड़े होंगे ने फादर जोड़े होंगे ने वो ज़्यादातर नहीं समझते कि जोड़ा लड़का जोड़ा मुंडा सर्कस के नाल जा रहा है वह फ्यूचर किन्ना ब्राइट है. I will tell you what to do. उन्होंने कहा मैं तेन दसागा तू की करना है. Tomorrow night you bring your fiddle and go along with us. कि तू कल अपना वायलिन लेके आई साढ़े नाल चलनी. When we leave, after we have been away for a day or two, you can write your father and tell him what a wonderful time you are having. एंड जो आप गए एक दो दिन हो जाएंगे उदों तू अपने फादर नूं दस दी भी असं किन्ना तुहाडे को अपना वंडरफुल टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं भी किन्ना वधिया टाइम आप बिता रहे हैं. परहैप्स ही वोंट इंटरफेयर कि वह फिर इंटरफेयर नहीं करेंगे. अदरवाइज इफ यू टेल हिम नाउ ही माइट फॉरबिड यू टू गो. कहते जे तू हुण दसेंगा फिर तो तैनूं रोक देंगे. फिलिप फाइनली अग्रीड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग नाइट. तो वह मन गया. हुण देखो फादर की वह जिहड़ा सर्कस का लीडर है वह की कर रहा है. व्हाट इज ट्राइंग टू डू. He is just befooling Philip. वो की कर रहे हैं फिलिप नू बुद्धू बना रहे हैं. उन्होंने अपनी गल्ला च लै रहे हैं. He is just persuading him. उन्होंने अपनी गल्ला च लै रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुसी जड़ा है मेरे नाल चलो अपने पापा नू दस्से बिना चलो. सो दैट इज़ वेरी रोंग जड़ा वो कर रहे हो गलत है. पर फिलिप बच्चा है 13 साल का है वो मन गया कि ठीक है ओके आई विल डू. द मोर ही थॉट अबाउट हिज डिसीजन एंड अबाउट द ग्लोरी इन स्टोर फॉर हिम द मोर रिलेटेड ही फेल्ट. तो जिन्ना वो ज़्यादा सोचता अपने फैसले बारे कि मेरे बस मेरी किन्नी शान होएगी तो उन्ना ही खुश महसूस करता. इलेटेड ही वॉज वेरी एक्साइटेड हैप्पी. इलेटेड क्यों होंगे वेरी जॉयस जॉयस. ठीक है. एट लास्ट ही कुड कीप क्वाइट नो लॉन्गर. अंत विच एंड दे विच क्या होया कि चुप नहीं रह सकया. ही वेंट नेक्स्ट डोर टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड. हुण उन्हें किसी नूं दसना तो है नहीं बट वो मन च इन्नी एक्साइटमेंट है कि किसी नूं तो दसन दा जी कर रहा है तो किनूं दसेगा. इवन नेक्स्ट डोर टू हिज नेक्स्ट टू हिज बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को गया जोड़ा कि वो घर के नेड़े ही रहा. टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट फिलिप टोल्ड हिज सीक्रेट आई एम गोइंग टू जॉइन अ सर्कस. उन्हें बहुत एक्साइटमेंट के अपने फ्रेंड नूं दस्या कि मैं तो सर्कस जॉइन करन वाला. आई एम गोइंग टू जॉइन अ सर्कस टुमोरो नाइट इट. सो वट इज़ द मीन नेम ऑफ द फ्रेंड इट. आई मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम द लीडर ऑफ अ सर्कस बैंड. उन्हें कहा मैं तो बहुत पैसा कमावगा तो लीडर बन जाऊँगा सर्कस बैंड का. दैन ही कॉशन इड नॉट टू टैल. फिर उन्हें इड नू होशियार किया भी तू किसी दसना नहीं है. इट्स आईब्रोज आर्च्ड. तो इट्स द आईब्रोज भी हाँ खड़िया ही रह गई भी हाँ की कह रहे हैं भी एड्डी वीड्डी गल मैंने दस रहे तो किसी को दसना भी नहीं है. एंड इज माउथ फ्लू ओपन वह मूँह खुला ही रह गया. द न्यूज़ इंप्रेस्ड हिम ग्रेटली. वो इन्ना इंप्रेस हो गया उस न्यूज़ नाल इन्ना प्रभावित हो गया. इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड दैट ही एक्सीडेंटली लेट द सीक्रेट आउट एट सपर टाइम. तो उन्हें उन्होंने इन्ना ज़्यादा इस गल का प्रभाव पाया कि उन्हें अपनी मम्मी को जो रात को खाना खाने का टाइम से उन्होंने दसता है गल. लेटर दैट इवनिंग आफ्टर इट वॉज अ स्लीप हिज मदर पेड अ विजिट टू मिसिस सोसा. तो जो इट सो गया तो जी इट की माँ है वह फिलिप की मम्मा को मिसिस सोसा मिलने वास्ते गए. So I think that's enough for today. Rest of the chapter we will continue in the next video. So till then have a nice day and stay tuned and keep revising the questions which can be framed out of this and focus on spellings, write on your notebooks. Theek hai beta? Okay.